First Choice Kids Wear Ramadan Special Offer Up to 40% Discount के साथ एक लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान, शरारा पम्पलम, गाउन, बॉयज फुल सूट, वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस, प्रीमियम क्वालिटी, सबसे सस्ता और अच्छा। रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स है। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के एमएम अली कोरोना सेंटर में और आपको बता दें कि ये कोरोना सेंटर जो महाड़ा ठाणे महानगर पालिका द्वारा ये कोरोना सेंटर बनाया गया है, करोड़ों रुपए की लागत से ये कोरोना सेंटर जो है पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस वक्त ये कोरोना सेंटर यहाँ मुमरा में बनाया गया था, लेकिन जब कोरोना धीरे धीरे ख़त्म होने लगा उसके बाद इस कोरोना सेंटर को बंद कर दिया गया। लेकिन जब कोरोना की लहर दूसरी बार आई उसके बाद मुमरा शहर में कहीं ना कहीं इस अस्पताल को दोबारा चालू करने की मांग तेज़ होने लगी। लेकिन जब इस अस्पताल की शुरुआत करने की बात सामने आई तो इस अस्पताल से आधे से ज़्यादा सामान गायब थे, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा भी शहर में हुआ। और बहरहाल अब सामान जो है धीरे धीरे इस अस्पताल में वापस आ रहे हैं और विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान और मनपा के अधिकारी सागर सालुंके धनंजय गोसावी ने आज इस अस्पताल का दौरा किया है और उन्होंने बताया कि अस्पताल में को जो है सोमवार या मंगलवार से अस्पताल को शुरू कर दिया जाएगा। जिस तरह से लगातार गर्मी भी बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए इस अस्पताल से जो एसी थे, जो फैन थे और जो बेड वगैरह थे, वो चीज़ जो नज़ारा थी, धीरे धीरे सभी सामानों को यहाँ पर अब इकट्ठा किया जा रहा है। मनपा की तरफ से और जो विरोधी पक्ष नेता है उनके तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि सोमवार या मंगलवार को इस अस्पताल को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से बढ़ते जा रही है, अब तक इस अस्पताल को चालू हो जाना चाहिए था लेकिन अब तक ये अस्पताल चालू नहीं हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगते हुए जा रहा है और उसके बावजूद मुमरा शहर में ही कभी 30 तो कभी 32 कभी 36 कोरोना मरीजों की संख्या लगातार मिलते जा रही है और सभी मरीजों को ठाणे के अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में मुमरा शहर के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो एमएम अली का ये अस्पताल है, कोरोना सेंटर है, इसकी मांग मुमरा शहर में चालू करने को लेकर तेज़ हो रही है, लेकिन सवाल वही बरकरार है कि अब तक चालू क्यों नहीं किया गया है। लेकिन जो विरोधी पक्ष नेता शानू पठान है उनका कहना है कि सोमवार मंगलवार तक इस अस्पताल को चालू कर दिया जाएगा, मगर देखने वाली बात यह है कि जिस हिसाब से इन्होंने कहा है क्या सोमवार मंगलवार तक ये अस्पताल चालू हो पाता है या नहीं चालू हो पाता है। बहरहाल क्या कुछ इस दौरे के दौरान विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान और मनपा के अधिकारी सागर सालुंके ने जानकारी दी है, सुनिए। चलो भाई, आज यहाँ कोरोना सेंटर पे आप आए थे दौरा करने के लिए, जिस तरह से यहाँ से सामान गायब थे, क्या सामान वो पूरे आ गए हैं? और तमाम आरोप लग रहा है कि मुमरा का कोरोना सेंटर जो है बंद है, इसे शुरू नहीं किया जा रहा, क्योंकि मुमरा में भी 30, 35, 36 कोरोना मरीज़ मिल रहे हैं। ऐसे में कब तक ये अस्पताल जो है चालू किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो सामान यहाँ से गया था उस जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वो उन्हें उनके आँख पर पर्दा है, क्योंकि जब सामान जाने के बाद सबसे पहले विरोध भी माननीय जितेंद्र अवार्ड ग्रैंड मान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने किया, लेकिन डॉक्टरों की टीम की तरफ से और महानगर पालिका की तरफ से लिखित में एक लेटर आया सामने, हमने लोगों की जान थाना के कुछ केसेस बढ़ रहे थे और ऐसे में वेंटिलेटर कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, हमने इमरजेंसी सर्विसेज पर हमने ये जाके वहाँ यूज़ किया, इस्तेमाल किया। जब हमारा विरोध हुआ, मिनिस्टर साहब का विरोध हो, तो उसमें से सब सामान यहाँ आ चुका है, वेंटिलेटर और कुछ चीज़ें ग्लोबल हॉस्पिटल में वहाँ पे है, हम उन्हें हटाने नहीं बोल सकते, ना ही लाने बोल सकते, क्योंकि ग्लोबल में आज भी मुमरा, कौसा और थाना और ये सब ये इनके ये पेशेंट भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर मुमरा कौसा के पेशेंट नहीं भी होते तो भी अगर इंसानों की बात है, इंसानों की जीवन की बात है, तो हमारी चीज़ किसी के काम आ रही थी, इसने वो काम आ रही। लेकिन गलती ये थी कि उन्होंने माड़ा ने ये बनाया, ना ही मिनिस्टर साहब को उसकी जानकारी थी, उन्हें देना चाहिए था, लेकिन मेडिकल ऑफिसरों की आपस में कुछ निर्णय होके ये चीज़ों को हटाई गई थी और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे सब आ चुकी है। हमारे कुछ लोग टैली भी कर रहे हैं
अगर कुछ चीज़ें नहीं आई होंगी और कुछ यहाँ से गया होगा तो कोई भी ऑफिसर को छोड़ा नहीं जाएगा सर। लेकिन दूसरी बात, क्रेडिट सुमैया यहाँ पे सर, जब दूसरी बात, हाँ बोलिए, क्रेडिट सुमैया जब यहाँ पर दौरा करने आए तो उनको दौरा करने नहीं दिया गया, उन्हें कलवा पुलिस स्टेशन क्यों करेंगे? अगर यही सब सुमैया क्यों दौरा करेंगे, क्यों दौरा करेंगे? हाँ, क्या उन्होंने बनाया हॉस्पिटल? अरे जिस शख्स ने दिन रात माड़ा में मेहनत करके अपने मंत्रालय का पैसा लाया कि कलवा मुमरा के अंदर एक हॉस्पिटल हो सके और जिसका नाम पूरे महाराष्ट्र में हो सके, वो एक एग्जांपल पहले दे चुके हैं, एक साल पहले उनके हॉस्पिटल के ऊपर उन्होंने ही प्रश्न किया कि मेरी चीज़ें नहीं लाई गई तो FIR दाखिल करेंगे, तो उस पर क्रेडिट सुमैया राजनीति करने आएंगे? ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। क्रेडिट सुमैया को जब आना चाहिए था, जब मुमरा के उसके अंदर लोग मर रहे थे, उनके घरों पर जाना चाहिए था। उनकी सरकार थी सेंटर में, उन्होंने कितने लोगों को पैसा दिया, कितने लोगों की फीस माफ करी? मैंने तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा हूँ और मैंने महासभा में बोला हूँ कि जितना BJP हमारे साथी लोग ऑब्जेक्शन करते उतना ही सेंट्रल से पैसा महापालिका को लाके दे दे। मालूम है क्या, जो उत्पादन देती है, जो डोनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तक 2019 से आज तक नहीं दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने वही कहा था कि भाई पहले एक डेलीगेशन हमारे XCM के साथ मिलके वहाँ जाए और थाना महानगर पालिका को जो डोनेशन देना 2019 से सेंटर ने बंद किया है उसे तो शुरू कराए। बातें करना बहुत आसान है, जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें परेशान करने की कोशिश हर टाइम पे होती है, लेकिन हम हारने वालों में से नहीं, संघर्ष करने वालों में से। हमारी पूरी टीम, जो ऑफिसर है, जो डॉक्टर है, जो पदाधिकारी है, जो NGO जिन्होंने मेहनत करा उनके हम सराहना करते हैं। उस पर आप रोटी मत सेको। अगर कुछ गलत हुआ है तो NCP ने और हमारे मिनिस्टर ने उसका विरोध किया, हम लोगों ने हाउस में विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमें एक्सक्यूज क्या दिया कि सर इमरजेंसी बेसिस पे जान की बात थी, हमको ये चीज दूसरी जगह यूज हो रही थी इमरजेंसी। अगर ये बात एक्सक्यूज नहीं दिए होते तो आज सारे मेडिकल ऑफिसर और जितने अधिकारी ने यहाँ से ये चीज हटाया उनको सलाखों के पीछे होते, लेकिन इंसानियत की वजह से। जरूरी नहीं कि कलवा उमरा के लोग हैं तो हम उनको उनके लिए इस्तेमाल किए या नहीं किए, वो किधर के भी लोग थे, हमारे थाने के हॉस्पिटल में थे। और अगर इमरजेंसी बेसिस पे अगर यहाँ से कुछ चीज़ गई और उन्होंने बाकायदा लेटर के तो चोरी छुपके रूम में नहीं किया, पत्र व्यवहार करके किया, वहाँ से पत्र इधर आया, इधर से लेटर उधर गया और वो सब सामान ग्लोबल और ऐसी जगह पे लेके गया। आपको एक बात बताऊँ, आप ये बात जानते हैं, पिछले कुछ लोग आप इस्लामुद्दीन भाई थे और रफीक चाचू भी थे, हमने प्राइम से डायलिसिस मशीन उठा के बुरानी में दिए थे, कोई लेटर था क्या? नहीं, इंसानों की जान की बात थी, हमारे को बिना लोटर के हम उठा के लेके चले गए। लेकिन जब इंसान की जान की बात आती है तो ये चीज़ें उसके सामने कुछ कीमत नहीं रखती। अगर उसमें कुछ गलत हुआ है और जो हमारी एक्सपर्ट टैली चीज़ें नहीं मिली तो जो संबंधित लोग हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। अब हमारा मामला ये है कि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, अभी भी हमारे पास पार्किंग प्लाजा में बेड अवेलेबल है लेकिन O2 अवेलेबल है, मेंटी नहीं मिल रहे। उसको देखते हुए हमारे पास ग्लोबल में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, वोल्टास में बेड हमारे पास है, पार्किंग प्लाजा में बेड अवेलेबल है। दो चीज़ की दिक्कत है, हमारे पास मनुष्य बल कम है, सिस्टर्स वार्ड बॉय और ये जो स्ट्रक्चर से उठाने वाले उधर भी कम है, उधर थाना के जहाँ पे करोड़ों रुपये खर्चा करके महापालिका ने हॉस्पिटल बनाई है वहाँ कम है। वहाँ के साथ साथ अब हमको हमारी तैयारी यहाँ करना चाहिए क्योंकि मुमरा में भी पेशेंट बढ़ रहे हैं और ये पेशेंट और ये पेशेंट कितने तक जाएंगे इसके लिए कोई बोल नहीं सकते। हमने 37 यहाँ से जो पहले के वेंटिलेटर में से 37 वेंटिलेटर ग्लोबल में गए, बाकी सारे वेंटिलेटर यहाँ है। हमने अभी जो चेकिंग की ऑफिसरों के साथ, डॉक्टरों के साथ, जो चीज़ की ज़रूरत थी हम कोशिश करके, कमिश्नर साहब माननीय जितेंद्र रावत साहब का आदेश, कमिश्नर साहब से हमारी बात हो चुकी है, हम लोग सारी मंजूरी बाद में लेंगे। मेरी वहाँ से बात हुई है कि महासभा स्टैंडिंग जो भी मंजूरी है हम तुरंत ले लेंगे, उसकी हमको ज़रूरत के लिए रुकना नहीं चाहिए क्योंकि पेशेंट की संख्या और बढ़ रही है। तो इसीलिए हम मंडे इंशाल्लाह ताला या ट्यूसडे मंडे को ही हम OT शुरू करेंगे, O2 शुरू करेंगे और बाकी चीज़ उसके साथ साथ तुरंत शुरू करेंगे। विद इन इस वीक के अंदर मुमरा का कोविड हॉस्पिटल जैसे पहले था वैसे पूरी तैयारी के साथ, हमारी पूरी टीम जिन्होंने पहले काम करी उससे ज़्यादा तैयारी के साथ करेंगे क्योंकि पहले की कोविड की तैयारी का हमको एक्सपीरियंस नहीं था, अभी तो है और अनुभवी लोग हैं जिन्होंने उस पर काम किए, तो उससे बेहतर तैयारी के साथ हमारे ऑफिसर, हमारे मेडिकल टीम, हमारे सफाई कामगार और हमारे NGO और हमारे पत्रकार बंधु भी जिन्होंने हमारे साथ दिए, उसके साथ बेटर
तैयारी के साथ हम कोविड का हॉस्पिटल शुरू करेंगे। शानू भाई, जैसे कि घोटाले की बात आ रही है, तो मंत्री जी का आरोप था टीएमसी के जो यहाँ के डॉक्टर थे राजू मुरूडकर, उनके ऊपर आरोप था, और कहीं ना कहीं राजू मुरूडकर जी के ऊपर घोटाला होते हुए पकड़ा भी गया एंटी करप्शन ब्यूरो ने। 15 लाख की मांगनी थी, 5 लाख लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया, और भी लोग मेरे खाली अकेले उनका ही ये पूरा। मेरी बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जो आरोप लगाया था होम मिनिस्टर जितेंद्र रावत जी ने लगाया था, और उस पर और हमने महासभा में भी बोला, लेकिन उसका स्पष्टीकरण मेडिकल ऑफिसरों ने जो हमको कारण दिया, उस कारण के बाद हमारा विरोध करना इंसानियत के ऊपर प्रश्न था, इसीलिए हम विरोध नहीं कर सकते थे। उन्होंने हमको बाकायदा बोले, हमने पत्र व्यवहार करके चीज़ों को हटाए, हमको ग्लोबल से और कई जगहों पे हमको जान की इंसानों की जान बचाने के लिए हमको ये ज़रूरत लगा। उनकी ये चूक थी, उनकी गलती थी, उनने मान्य किया और कमिश्नर सर ने भी मान्य किया और मुरलीकर से भी कि मुझसे गलती हुई, मैंने जिस डिपार्टमेंट ने जिस मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बनाया था उनको जानकारी नहीं दी। अगर उनको जानकारी मिलती तो मुझे यकीन है कि वो भी मना नहीं करते, क्योंकि इंसान की जान से बढ़ के कुछ नहीं। आज आप लोग जो दौरा किए यहाँ पर, आप लोगों ने देखा है क्या क्या चीज़ की जरूरत है यहाँ पर, एसी पंखा और भी बेड वगैरह की क्या क्या ज़रूरतें हैं और कब तक ये पूरे हो जाएंगे? एक्चुअली अभी माननीय विरोधी पक्ष नेता ठाणू पर उनके साथ जो दौरा हुआ है उसके ऐसा देखा गया है कि अभी जो CCC और O2 जो के बेड्स तो हम लोग मंडे तक चालू कर सकते हैं, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रेडी है। उसके बाद जो फुल फ्लेज कोविड हॉस्पिटल चालू करना है वो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, बाकी और वो इंग्लिश कर दी गई चीज़ें क्या क्या ज़रूरत है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अगले 5-6 दिन में वो भी अवेलेबल हो जाएंगी। बात आती है आपकी, अब ऐसी बात की आपने, और जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई वगैरह है तो उनके बाद उसके लिए भी हमारा पत्र हो चुका है और वो भी 4-5 दिन में वो भी चालू हो जाएगा। मैन पावर की कमी की बात की उन्होंने विरोधी पक्ष नेता शानू पठान ने, तो उसको किस तरह से पूरा करेंगे? मैन पावर की बात क्या लगता जरूरत जो है वो इसके पहले भी जो लोग यहाँ पे काम कर चुके हैं तो हम लोग को पता है कि क्या मैन पावर अभी ज़रूरत है, पहले वो अंदाज़ा नहीं था, अभी वो अंदाज़ा है, तो उसके हिसाब से हम लोग हेड ऑफिस से मांग करके वो हमें मिल जाएंगे। सर, क्योंकि उसकी एक शिकायत थी उनकी कि पिछली बार जो उन्हें कुछ सैलरी को लेकर दिक्कत हुई थी, सर उस तालुक से पूछ रहे थे कि लोग अब हिचकिचाएंगे काम करने के लिए, तो क्या उसको किस तरह से आप क्या कहना चाहते? नहीं, अभी क्या पहले सैलरी का जो कुछ इश्यू है अभी मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी दिक्कत अभी तो नहीं होगी। क्या लेना जो रहेगी उन लोग के प्रॉपर क्या लेना मास्टर रिकॉर्ड कीपिंग रहेगा, उनके हिसाब से उनकी सैलरी भी होगी।